गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, कुसुम सुमन और परसुन तीनों दोस्त हैं, वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है, उनकी दोस्ती को देखकर सब उन्हें क्या कहते हैं, सब उन्हें फूल कहकर बुलाते हैं। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि सभी उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम सुमन तथा परसुन शब्द फूल शब्द के ही समान है। कहने का अर्थ है कि नाम अलग अलग है परंतु उनका अर्थ एक ही है, ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण करेंगे अब हम। पहली उदाहरण है चांद। चांद को चंद्रमा, राकेश, शशि आदि बुलाया जाता है। दूसरी उदाहरण है निकेतन। निकेतन का अर्थ क्या होता है? आलय, घर, ग्रह, इसे सदन भी कहा जाता है। तीसरी उदाहरण है आकाश। आकाश को गगन, नभ, आसमान भी कहा जाता है। जल, पानी, नीर, सलिल, माता, मां, अंबा, जननी। आओ पाठ को एक बार फिर से दोहराते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है।